हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फोर क्लास सिक्स सोशल साइंस के बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोब एंड लैटिट्यूड। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोब एंड लैटिट्यूड, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव रीड दैट अवर प्लैनेट अर्थ, हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, यानी हमारा जो प्लैनेट है बच्चों वो स्फीयर शेप नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड ब्लर्स इन द मिडल, यानी ये जो है कैसा है कि नॉर्थ और साउथ पोल से ये थोड़ा चपटा है और बाहर जो है इस तरह से ये जो है क्या है बीच में से ये ऐसे ब्लज ब्लज यानी ऐसे बाहर आया हुआ है, ठीक है ना, ब्लज इन द मिडल। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसा दिखता होगा। सो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो बच्चों ये क्या है, सभी बच्चे ग्लोब के बारे में जानते हैं, आपने ग्लोब को ज़रूर देखा होगा। तो ग्लोब क्या है, ये एक ट्रू मॉडल है। ट्रू मॉडल का मतलब क्या है कि जैसी हमारी अर्थ है उसी की तरह ये बिल्कुल दिखता है, ऐसे ही ये जो है ऐसे टिल्ट, हमारी अर्थ भी जो है टिल्ट होती है थोड़ा सा, तो इसी तरह ये भी जो है क्या है टिल्ट हुआ मॉडल है और मिनिएचर फॉर्म है, यानी उसका एक छोटा जो है रूप है मॉडल, ये जो ग्लोब है किसका, अर्थ का। नाउ यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, इसके अंदर देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना जिसके ऊपर ये ग्लोब जो है ऐसे घूमता है, तो ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं एक्सिस, क्या कहते हैं एक्सिस, एंड टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर टू पोल्स। अब ये जो निडल इन पोल से पास होती है, दैट इज़ वन इज़ नॉर्थ पोल, ये क्या है नॉर्थ पोल, एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल, क्लियर, फ्रॉम वेयर द निडल पास, वन इज़ नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज़ साउथ पोल। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, और जो रियल अर्थ है ऐसी जो है रियल अर्थ में कोई भी निडल नहीं होती है। द ग्लोब कैन बी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव, तो जो ग्लोब है वो भी जिस तरह अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसी तरह जो ग्लोब है वो भी वेस्ट टू ईस्ट क्या कर सकता है, मूव करता है, क्लियर। तो ये जो लाइन है एक्सिस है, ये केवल कैसा होता है, ये जस्ट एन इमेजिनरी लाइन है। नाउ अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक और अनदर इमेजिनरी लाइन होती है। अब आपको देखो यहाँ पे एक डार्क सी लाइन नज़र आ रही है, ये भी क्या है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर यानी ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वेटर और इक्वल, क्लियर। तो ये क्या है इक्वेटर, जो कि अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इट्स आल्सो एन इमेजिनरी लाइन, ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है। एंड इक्वेटर के नॉर्थ साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और साउथ साइड में होगा सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, साउथ की तरफ जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर होगा। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर है ये वाला, ये इक्वेटर जो कि अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये जीरो डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे बच्चों, जीरो डिग्री लैटिट्यूड पे। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, जो भी पैरेलल सर्कल है इक्वेटर से, तो देखिए ये जो है क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सिंस द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 90 डिग्री, अब देखिए ध्यान से आपको ये समझना है, ये तो हो गया जीरो डिग्री पे, और यहाँ से जीरो डिग्री से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी दोनों के दोनों स्फीयर जो हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या सदर्न हेमिस्फीयर है, वो जीरो से 90 डिग्री एक एक लैटिट्यूड में बटे हुए हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से ये जो है क्या है 90 तक जो है ये बटे हुए हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस,
ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो देयर आर टोटल 90 इक्विडिस्टेंट पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स। यानी क्या हो गया, ये जीरो पे है तो 90 डिग्री तो यहाँ तक हो गए, ठीक है, और 90 डिग्री जो है हो जाएंगे सदरन हेमिस्फीयर तक, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 180 डिग्री। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए, ईच पैरेलल सर्कल हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और हर एक जो पैरेलल सर्कल है उसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, वो 1 डिग्री की डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यानी इस तरह से ये 0 डिग्री हो गया, तो उसके बाद ये क्या होगा, 1 डिग्री, उसके बाद होगा 2 डिग्री, उसके बाद होगा 3 डिग्री, ऐसे। नाउ ऑल पैरेलल्स नॉर्थ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। तो जो भी पैरेलल्स हैं अगर वो नॉर्थ के टूवर्ड्स हैं तो उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे, और जो साउथ की तरफ हैं उनको हम साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो इस तरह से हैं ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जो है लैटिट्यूड्स कहेंगे इनको हम, क्या कहेंगे बच्चों, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है तीन जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लोब, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है, सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। बहुत ही ईजी आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल एंड मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। आप ऐसे लिख देंगे मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, डिफाइन इक्वेटर, इक्वेटर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो इक्वेटर देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन लिखेंगे, और इक्वेटर यहाँ पर हमने इसका आंसर किया है कि इक्वेटर क्या है, ठीक है, तो इमेज अनदर को आप हटा दीजिए, यहाँ से लिखेंगे इमेजनरी, जस्ट अ मिनट, इमेजनरी लाइन, इसको हम थोड़ा सा जूम करके करेंगे ताकि आपको आसानी से ये दिख जाए, क्वेश्चन तो आपने वहाँ से लिख लिया। देखिए, इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, तो इसको आप जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए इक्वेटर की डेफिनेशन को। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स इन अ ग्लोब, तो कितने लैटिट्यूड हैं टोटल, हमने पढ़ा था ये क्या है, ये इक्वेटर हो गया, तो 90 जो है ऊपर है, 90 जो है वो नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 180 लैटिट्यूड्स, तो आप लिख देंगे 180 लैटिट्यूड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।